नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना काल में ईद मनाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार बकरीद भी कोरोना की तमाम पाबंदियों के बीच मना रहे हैं। मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुछ लोग बाजारों और ईदगाहों में निकल रहे हैं और खास सावधानी के साथ ईदगाहों में नमाज भी पढ़ी गई, तो वहीं ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की, जिसकी वजह से मस्जिदों के साथ साथ सड़कें भी खाली खाली सी दिखी। मुस्लिम समुदाय के मुख्य त्योहारों में से एक बकरीद के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा, ईद मुबारक, ईद उल अजहा पर बधाई। ये दिन हमें एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनने के लिए प्रेरित करता है। इसे प्रेरणा लेकर भाईचारे और करुणा की भावना को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के मुस्लिम समुदाय को बकरीद की शुभकामनाएं दी। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सीएम ने कोविड-19 की वजह से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने और ईद उल अजहा मनाने की अपील की है। तो बकरीद के इस मौके पर कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ज्यादातर लोगों ने घरों से निकलने में परहेज किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते मस्जिदों में अभी भी सामूहिक रूप से नमाज अदा करने पर पाबंदी है। राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश के रंग को फीका कर रखा है। लगभग मार्च के महीने से जो भी त्यौहार पड़ रहे हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उसका रंग जो है वो फीका नज़र आ रहा है। जो त्यौहारों पे उल्लास हर्षोल्लास नज़र आता था, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। आज बकरीद का दिन है, शनिवार को बकरीद के दिन पूरे देश में जहां नमाज़ें पढ़ते हैं मुसलमान भाई बंधु लोग, लेकिन कोरोना काल के वजह से बकरीद की नमाज पर रोक लगाई गई है। मस्जिदों में खाली 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण स्थान ऐशबाग की बड़ी ईदगाह पे हैं, जो सड़कें ईद और बकरीद की नमाज पर नमाजियों से पटी रहती थी, वो सड़कें आज खाली पड़ी हैं। आपको देख सकते हैं कैमरे में, सिर्फ सुरक्षाकर्मी नज़र आ रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान यही नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो नमाजी रहते थे लखनऊ की सड़कों पे, ऐशबाग ईदगाह के बाहर सड़कों पे, ये पूरा इलाका, आपको बता दें कि ये पूरा इलाका नमाजियों से पटा रहता था, लेकिन यहाँ पर इस समय सिर्फ 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर ईदगाह में, और सड़कें पूरे तरीके से खाली है। क्योंकि लगातार कोरोना काल को देखते हुए अपील की जा रही थी कि कोरोना का संक्रमण जिस हिसाब से फैल रहा है उस पर रोक लगे, इसलिए लोगों को ये अपील की गई थी कि लोग त्यौहार पे अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें, जितना से ज़्यादा हो सके संक्रमण फैले ना, उससे बचने के तमाम उपायों के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें। ठीक वैसा ही उस अपील का असर देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि पूरी ईदगाह खाली पड़ी हुई है। ईदगाह के बाहर की सड़क खाली पड़ी हुई है, अंदर 5 लोग मात्र नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो त्यौहार का एक कह सकते कि त्यौहार की जो उमंग होती थी, जो वो हर्षोल्लास होता था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। रमजान में तरावीह और ईद उल फितर के बाद अब ईद उल अजहा की नमाज भी घरों में ही अदा की गई है, और शहर काजी भी कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए घर से नमाज अदा करने की अपील कर चुके हैं। यूपी में तो वीकेंड लॉकडाउन की वजह से बाजार भी बंद है। We'll be right back.